आज की वीडियो में आप लोगों को हम लोग, ये हिमांशु हैं जो कि हमारे पांच बिहार बटालियन एनसीसी आरा के सीनियर कैडेट हैं, जो इस बार सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे। तो अभी हम लोगों ने मैप रीडिंग पिछले वीडियो में देखा था कि मैप को कैसे सेट करते हैं, और अभी ये आप लोग को बताएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको कोई टारगेट दिया जाता है और उसका डिग्री मालूम करना होता है, तो डिग्री किस तरह से मालूम करते हैं। तो हम लोग अभी ये जो सामने आप लोग को टंकी दिखाई दे रहा है ऊपर सामने में बस के पीछे, तो उसका अभी ये डिग्री आप लोग को निकाल के बताएंगे। हिमांशु, आप इन लोग को बताइए किस तरह से डिग्री निकालते हैं। सबसे पहले कंपास को लेंगे, कस के बोलिएगा। सबसे पहले कंपास को लेंगे और कंपास को सबसे पहले खोलेंगे। इसके कंपास को पकड़ते किस तरह से, पहले आप इन लोग को बता दीजिए। ये थंब रिंग है। थंब रिंग को सबसे पहले अंगूठे में लगाएंगे। आप लोग देख लो, थंब रिंग को अंगूठे में, अंगूठे को अंदर लगा के इस तरह से पकड़ते हैं, ये पोजिशन होगा, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। और फिर डायल को उठा लेंगे और प्रिज्म होगा। प्रिज्म को ऐसे लगाना है जैसे कि नीचे वाली जो खुदी हुई डिग्री इसमें दिखाई पड़े हम लोग को, इस तरह से लगाना है। और फिर टोंग नोच जो होता है, टोंग नोच कौन सा है, यहाँ पेन है आपके पास, पेन। अभी हिमांशु आप लोग को बताएंगे प्रिज्म कौन सा है और टंग कौन सा है, आप बताइए इन लोग को। ये रहा प्रिज्म, ये शीशे का होता है, प्रिज्म होता है, आप देख लो। और ये रहता है टोंग नोच, यहाँ पर होता है जो स्टील वाले आते हैं कंपास, उसमें बहुत बढ़िया से दिखाई पड़ता है। ये प्लास्टिक वाले, इस वजह से इसमें नहीं मिला, लेकिन इसके सीधे में ही मिलाएंगे हम लोग जिस चीज़ का डिग्री नापना है, मतलब प्रिज्म और टंग को लेके और जिसका डिग्री निकालना है उसको एक सीध में, एक सीध में करेंगे। और हेयर लाइन होता है कंपास में, अच्छा हाँ, हेयर लाइन को मिलाएंगे उससे एक सीध में, क्योंकि प्लास्टिक वाला आता है उसमें टोंग नोच बढ़िया से नहीं होता है, तो हेयर लाइन से ही मिला के हम लोग देख लेंगे। ओके। और उसके बाद अंदर की तरफ जो डिग्री लिखे होती है, इसमें दो तरह की डिग्री होती है, दो तरह का डिग्री आप इनको दिखाइए। अंदर की तरफ जो डिग्री होता है उस अंदर का कौन सा आप बता रहे हैं, अच्छा ये 100, 120, 140 जो लिखा हुआ है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं अंदर वाले को। अच्छा। और बाहर वाले जो होता है बैक बेयरिंग होता है, अच्छा बाहर वाला बैक बेयरिंग है। हम लोग को फॉरवर्ड बेयरिंग निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे उसके ऊपर टारगेट करेंगे, जैसे कि बताया मैंने आपको एक सीध में रखना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर। आप लोग देख लो, आप लोग को इस तरह से डिग्री पढ़ना होता है, मतलब आप लोगों को प्रिज्म से होते हुए आपको ये कंपास का हेयर लाइन के थ्रू और टंग उसके थ्रू आपको जो आपका टारगेट है, जैसे टंकी है तो आप उसको देखेंगे। आप सामने आप लाइएगा इसको, ये कंपास, बस हम लोग केवल ऐसे बता देते हैं। हाँ देख लो, अभी टंकी सामने में है, तो आप प्रिज्म, ये जो आपका व्हाइट वाला दिख रहा है प्रिज्म, हेयर लाइन और टंकी, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, हाँ तीनों को एक सीध में करेंगे। और फिर आप यहाँ पर डिग्री देखोगे कि आपका, और अंदर वाले नंबर देखना है, आप दो नंबर दिखाई दे रहा है, एक ऊपर से नंबर है और एक उसके बाद भी कंपास पर नंबर दिया गया है, तो ऊपर वाला जो है वो आपका बैक बेयरिंग होता है, बट आपको निकालना फॉरवर्ड बेयरिंग होता है। तो हिमांशु इसका कितना होगा टंकी का, आपने मेजर किया था ना, फिर से देख लीजिए, और ये रहा आपका टंकी टारगेट, पोजीशन से हो गया 179 हो गया, अच्छा 179 है, 179 ओके, तो आप दिखाएंगे 179, सॉरी अभी दिख नहीं रहा। तो टंकी का ये जो होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से हम लोग डिग्री निकालते हैं, प्रिज्म से होते हुए और जो हेयर लाइन होता है कंपास का और जो आपका टारगेट होता है उसको एक सीध में करते हैं। हाँ तो इस तरह से हम लोग ये डिग्री पता करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अभी मैंने आप लोगों को टंकी का निकाल के दिखाया था, तो प्रिज्म से होते हुए आप और हेयर लाइन के होते हुए आप टारगेट को एक बार मिलाएंगे और फिर आप कंपास में डिग्री देखोगे, और डिग्री उसमें आपको नीचे वाला देखना होता है, बीच वाला नंबर, एक ऊपर से नंबर है वो आपका बैक बेयरिंग होता है, बट निकालना फॉरवर्ड बेयरिंग होता है, ठीक। तो उस तरह से हम लोग मिलाते हैं। नेक्स्ट हम आप लोगों को अभी वॉकी टॉकी के बारे में ही बताएंगे, और ये मैप पे ऑन पोजीशन का दूसरा बताऊँगा, आज सर्विस प्रोटेक्टर नहीं निकला हुआ है यहाँ क्लास में, तो अभी वॉकी टॉकी के बारे में हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में।